हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रेचिंग के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ मसल स्ट्रेचिंग की। दो तरह की एक्सरसाइज हम कॉमनली देखते हैं, एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हम सब अपनी डेली रूटीन में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस तो बहुत करते हैं, जैसे जिम में जाते हैं, योगा करते हैं, या हम कुछ नहीं भी करते तो भी पोस्चरल मसल्स को डेली वर्किंग में यूज़ करते हैं, जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग हो रही है पर स्ट्रेचिंग नहीं होती। तो बार बार जब मसल टोन अप हो रहा है, उसके फाइबर्स टाइट हो रहे हैं और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, तो फाइबर्स क्या करते हैं, मान लीजिए मसल के फाइबर्स यहाँ से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं इसकी पूरी रेंज से, ये रेंज होती है मसल की। तो जब फाइबर्स टाइट हो जाते हैं तो उनकी जो रेंज यहाँ से यहाँ नहीं थी वो सिर्फ इस रेंज में घूमना शुरू कर देते हैं। जब वो बार बार इस रेंज में घूमना शुरू करते हैं तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है और मसल पर स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स स्ट्रेन में चले जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेचिंग हेल्पफुल होती है उसको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए और मसल्स को रिजुविनेट करने के लिए। स्ट्रेचिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्पेशली अगर बात आती है मसल इम्बैलेंस की, क्योंकि हम अपने मसल्स को रोज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथनिंग हो रही है, तो मसल क्या कर रहा है, बार बार ना टाइटन अप होता है। जैसे वो टाइट होता है तो दूसरा वाला मसल थोड़ा लूज रह जाता है, तो इसको कहते हैं मसल इम्बैलेंस। जब हम टाइट मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलैक्स होता है, उसके फाइबर्स रिपेयर होते हैं, तो ये मसल इम्बैलेंस से प्रोटेक्ट हो जाता है। सेकेंड पार्ट आता है कि कैसे स्ट्रेचिंग हेल्प करती है हमारी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने में। जब हमारे मसल्स टाइट होते हैं तो वो रेंज, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर मसल की रेंज यहाँ से यहाँ तक है तो ज़्यादा टोन अप होने की वजह से उसकी रेंज कम हो जाती है, जिसमें मसल उसी रेंज में घूमता रहता है। जब हम उसके फाइबर्स को स्ट्रेच करते हैं, यानी कि उनकी ओरिजिनल पोजिशन तक ले जाते हैं, तो मसल अपनी पूरी लेंथ से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और वो जल्दी नहीं थकता। थर्ड आता है कि मसल में से स्ट्रेस कैसे रिलीव होता है, जैसे हम स्ट्रेचिंग से स्ट्रेस कैसे रिलीव किया जा सकता है। जब मसल्स ओवरयूज़ होते हैं तो बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता जाता है, क्योंकि फाइबर्स क्या करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो उस टाइम टाइट हैं। जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है फाइबर से, क्योंकि फाइबर्स रिलैक्स हो गए और ब्लड फ्लो गया, जिससे मसल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। ऐसे ही जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं बॉडी की, मसल्स की, तो एक एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, जो कि स्ट्रेस रिलीवर होते हैं और बॉडी से स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि स्ट्रेचिंग हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करती है और हमें इंजरीज से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद स्ट्रेचिंग का रोल पोस्चर मेंटेनेंस में भी बहुत होता है। हमारे कुछ पोस्चरल मसल्स होते हैं जो रेगुलरली हमें अच्छे पोस्चर में रखने के लिए वर्क करते हैं। जब ये पोस्चरल मसल्स टाइट होते हैं तो हमारा पोस्चर ख़राब होने लगता है, जैसे सिटिंग में या स्टैंडिंग में। तो जब हम स्ट्रेच करते हैं इन मसल्स को तो वो फिर से ठीक होना शुरू हो जाता है और पोस्चर बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो ये थे स्ट्रेचिंग के कुछ बेनिफिट्स। अब स्ट्रेचिंग दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव स्ट्रेचिंग को हम सेल्फ स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो पैसिव स्ट्रेचिंग रिलैक्स स्ट्रेचिंग मानी जाती है। ये स्ट्रेचिंग फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं और स्पेशली इसके हमारा प्रोग्राम चलते हैं सुकून फिजिकल थेरेपी की तरफ से, एक स्ट्रेचिंग का वंस ए वीक प्रोग्राम होता है, जिसमें हम 20 मसल्स बॉडी के स्ट्रेच करते हैं फ्रॉम हेड टू टो। इसमें आपके मेन मसल्स स्ट्रेचिंग में जाते हैं, जिससे आपको रिलीफ भी मिलता है, स्ट्रेस फ्री भी होते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, और जितने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किए हैं वो सारे आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस स्ट्रेचिंग प्रोग्राम को लेकर। ये स्ट्रेचिंग प्रोग्राम हमारे मसल्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उन्हें रिलैक्स रखने के लिए और उन्हें अच्छी कंडीशन में रखने के लिए। इस स्ट्रेचिंग प्रोग्राम से स्लीप भी बहुत इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब मसल रिलैक्स होता है तो हमारी बॉडी स्ट्रेस फ्री होती है, जिससे नींद भी अच्छी आती है। और ये प्रोग्राम हर एज ग्रुप में हेल्पफुल है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई ओल्ड एज है, चाहे कोई यंग है, उन सब के लिए प्रोग्राम, स्ट्रेचिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है पेशेंट्स के लिए, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है,
क्योंकि हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी अपनी डेली रूटीन में अपने मसल्स को बहुत स्ट्रेस में रखते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो वंस और ट्वाइस अ वीक ये स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा इसे हर एक इंसान को लेना चाहिए अपने मसल्स को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए। ऐसे ही हेल्दी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्ट्रेचिंग प्रोग्राम के लिए मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी डिटेल दे दी है, आप उस पर जाके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।